आज का टॉपिक भी गैर इलाज दोबारा क्या है दोबारा कि आदमी सेंटर में से इलाज लेने के बाद दोबारा नशा क्यों करता है, दोबारा नशा क्यों करता है, क्यों करता है। अब ऐसी जिंदगी गुजरत है ना जी, यहाँ सेंटर के अंदर हम जैसे हम लोग आगे आगे सेंटर के अंदर आगे। अब हमारी अथॉरिटी के सिस्टम नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है। अगर हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा हो जाता तो सब कुछ बदल भी जाता या सब कुछ खत्म है हो जाता। तो यहाँ आने के बाद हमें लगता है और हर किसी को ये लगता है कि अब मैं जीवन के अंदर दोबारा नशा नहीं करूँगा। इसके बावजूद कितने आदमी नशा छोड़ देंगे, बहुत है कम, बहुत कम आदमी नशा छोड़ देंगे। जैसे आज 100 मेंबर हैं, आज कितने हैं 100 मेंबर हैं, चलो मान लिया 20 ने नहीं छोड़ा, कितना ने नहीं छोड़ा 20 ने नहीं छोड़ा। तो ये क्या ये 20 छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते। हमें लगता है ना जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर जैसे इलाज ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया इलाज ले लिया। इलाज लेने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हैं बाहर जाते हैं। हमें ये लगता है कि मैं कोई कहते ना मैं बाहर जाने के बाद वैसे रिलैक्स हो गया, यार दोस्त मिल गए, वो मिल गया, फलाना मिल गया, तो मैंने दोबारा पी ली, इस तरीके का है ना माने या इस तरीके का महसूस हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे एक मिनट के अंदर कोई नशेड़ी बड़ा है ना जी। कोई एक मिनट के अंदर ये कह दे कि मैं एक मिनट के अंदर मेरे ऐसे हालात हो गए थे जैसे ये हालात हो गए, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर वही आदमी आता है जो मरने वाला हो, मरने वाला वही आदमी आता होगा, उससे पहले नहीं आता ना। तो वो एक मिनट के अंदर तो नशेड़ी नहीं बना, या एक मिनट के अंदर नशेड़ी बन गया हो, उसको नशेड़ी बनने के लिए कम से कम 1, 2, 3, 4, 7, 5 साल लगे लगे होंगे। जैसे पीछे बताया गया कि बीमारी कोई आज की नहीं है, बचपन की बीमारी है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि आज जाने के बाद में फलाना मिल गया, मेरे को वो मिल गया, फिर मैंने नशा कर लिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे गाड़ियों का आता है कि इधर से गाड़ी आ रही थी, इधर से गाड़ी आ रही थी और इधर से गाड़ी और भिड़ गई, और भिड़ गई एकदम, ये क्या है दुर्घटना, क्या है दुर्घटना, इसको क्या माना जाएगा दुर्घटना। ऐसा हमारे साथ नहीं होता, इसको तो मान सकते हैं दुर्घटना की अचानक हो गया, क्या हो गया अचानक हो गया, इसको तो मान सकते हैं दुर्घटना, क्या मान सकते हैं दुर्घटना। लेकिन जैसे हम लोग बाहर जाएंगे ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम लोग बाहर जाएंगे अब सभी के दिमाग में एक चीज चलती है, आपने यहां जितने बैठे हैं ना एक चीज एक रट लगा रखी है, कुछ भी पूछ लियो नशा मैं नशा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैंने बताया था कि नशेड़ी की है ना जो नशेबाज है, तो हमारी जिंदगी है वो, तो हमारी जिंदगी किस तरीके की है कि लिमिटेड है, क्या है लिमिट है हमारी, इस उस लिमिट से हम लोग आगे गए तो हम लोग जाएंगे। जिस प्रकार रामायण के अंदर क्या हुआ था, वो वनवास हो गया था ना राम को, राम को क्या हो गया था वनवास हो गया, तो कुटिया के अंदर कौन थी सीता थी, और सीता की रखवाली कौन कर रहा था लक्ष्मण कर रहा था। जैसे आप हो गई सीता और हम हो गए आपके लक्ष्मण, लक्ष्मण
तो लक्ष्मण ने सीता को कहा, लक्ष्मण ने सीता को क्या बोला था, एक लाइन खींच दी थी, एक लाइन है कि इससे बाहर तेरे को नहीं आना, इससे बाहर तेरे को नहीं आना, नहीं तो दिक्कत है आ जाएगी। जैसे आपको प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है कि तो आपको इस तरीके का माहौल नहीं करना, आपको ये नहीं करना, बताया जाता है ना। इसी प्रकार लक्ष्मण ने सीता को बताया था कि अगर ये लाइन क्रॉस करती है ना, ये लाइन तक मेरे दिक्कत नहीं आएगी, इस लाइन के अंदर कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लाइन तूने क्रॉस कर दी तो तेरी दिक्कत आ जाएगी। अब उसके बाद लक्ष्मण कहीं चला गया, सीता ने ये लाइन क्रॉस कर दी। अब सीता ने लाइन क्रॉस कर दी, कितना झगड़ा हुआ, कितने फसाद हुए, नहीं हुए। वैसा का वैसा हमारा सिस्टम है। हमें क्या लगता है, कोई आदमी हो या हम लोग जितने बैठे, हमें ये लगता है, हर कोई ये कहता है कि मैं नशा नहीं करूंगा। जो ये कह रहे हैं ना कि मैं नशा नहीं करूंगा, वो 100 के 100% करेंगे, 100% लोग क्या है नशा करेंगे। क्यों करेंगे? एक चीज शोर हो जाए, मेरे को ये पता लग जाए कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और ये गाड़ी भिड़ेगी नहीं, तो फिर गाड़ी की कोई लिमिट होगी नहीं, है नहीं। गाड़ी भाजेगी, इतनी बजाऊंगा नहीं बजाऊंगा, 200 बजाएगी।